बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन भैया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मेरे तुम ठीक हो? सो आज दी वीडियो बड़ी मज़ेदार आने वाली, और तुम चेक करो आज साढ़े ले तीसरे दिन धुप निकल चुकी है बड़ी माशाल्लाह प्यारी प्यारी, और धुप अच्छी अच्छी लग रही है, और थोड़ी साड़ी फुल तैयारी हो चुकी है। मोटरसाइकिल होंडा 70 भी तैयार हो चुकी है, और तुम लास्ट बात चेक करो साड़ी सीढ़ी दी, और काफ़ी जाना तैयारी कराइए भी यदि ए लवाइए तो लैमीनेशन, क्योंकि जरिए टनामेंट टैंक की थे, और साड़ी फुल तैयारी हो चुकी है। असं कि जा रहे हैं फेमस यूट्यूबर को, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है, और मेरी बार तुम दुआ करनी है, क्योंकि असं कहें पे जी अज घर अलविदा, तो और अम्मी और भी आ चुके हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल मेरे भैन भाइयों? अलहमदुल्ला असी ठीक हाँ, मैंने कि तुम ठीक हो। सो अज असी जा रहे हैं बड़े लंबे सफ़र से, क्योंकि प्यारे वीर तुसी दुआ करनी है कि असी खैरी सलामती पहुँच जाइए। तो सलीम है घर, तो असी बग्गी, तो मैं बग्गी दा अब्बू असी जा रहे हैं। तिने असी जा रहे हैं जी नाल नाल अब्बू ने शेयर करे सा और तुम मिले सी सही, और जा असी चलने हैं, और भाई सलीम ने तुम शेयर करने क्योंकि उन्हें मिलते जुलने हैं, क्योंकि दो दिन वास्ते घर न अलविदा करें पे। भाई सलीम तुम भी आ जाओ, प्यारे वीवरन सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे भैन भाइयों? ते और भाई सलीम तुम सलाम दिता है, ते असी भाई सलीम सलीम दुआ करनी है कि असी खैरी सलामती पहुंच जाइए। हाँ जी, ते दुआ भी प्यारे वीवर ही करे सन, और तुसी करने क्योंकि काफ़ी लंबा सफर है, ते और असी आई करें पे घर न अलविदा, क्योंकि थोड़ी जी खुशी भी है, ते और थोड़ी जी जड़ ना दिल को जोंदा करती है, क्योंकि लंबे सफर ते जा रहे ना इस वजह तो। बाय बाय। अम्मी तैयारी हो गई है? हाँ जी तैयारी हो गई है, हाँ जी, ते तैयारी क्योंकि साढ़े असि जड़ना तैयार हो चुके हैं। बैग में चाह लिया, क्योंकि कुछ कपड़े वगैरह नाल ले जाने हैं, तैयारी दोपहर असी रहना। तो सलीम नु आखी जाने के खरगोश नु तो ताजे पट्ठे पावने चारा, ते खास ख्याल रखना है किसी को जावना नहीं, हाँ क्योंकि घर जी, दे विच ही रहना। हुण ते भाई सलीम ने मिलते जुलने हैं, ते और चलने हैं अगा अगा दा सफर रवाना करेने हैं। चंगा हाँ जी, तो हूँ मैं कढ़ना जी मोटरसाइकिल बाहर, क्योंकि बुआ है जी थोड़ा जहा सौड़ा इस वजह तो। जी तो अलहमदुल्ला काफ़ी असी सफ़र किया, तो एक चीज़ जड़ना साड़ी भूल गई आई, तो काफ़ी सफ़र करते असी टुर के आ चुके हैं। बन बन काफ़ी और पर नज़र आ रही है खोरी, क्योंकि खोरी नज़र आ रही है, तो काफ़ी लोग ही रास्ते तो टाप रहे दूध ला के, तो बग्गी का इरादा किया कि थोड़ा जिहा चेर भी लोग ही बना लें, अपने प्यारे वीवरां नूं शेयर कर लेने शेयर कर लेने के दूध किस तरह इतने कढ़ाई घाड़ा घोड़ रहे लोग। तो क्योंकि काफ़ी रोड भी टाप रहे हैं, मोटरसाइकिल टाप रहे हैं, रोड नहीं टाप रहे हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल रोड तो टाप रहे हैं, तो और तुम खोरी चेक करो ये सारी खोरी है, और जिते तुम वेख रहे सो दुआ निकल रहे हैं, क्योंकि इतने बन रहा जी खोवा, क्योंकि इतने बन रहा है खोवा, क्योंकि इस गलू खोरी दे काफ़ी अगर ती देर लगे पे, क्योंकि बालन जड़ना काफी मुक्त मिलता है इस पासे, कमांडा के खेत बहुत ज्यादा होंगे गन्ने दे, हाँ इस जी, वजह तू लोग काफी जड़ना बालन वगैरह स्टॉक क्योंकि कर लेंगे। स्टॉक कर लेंगे, क्योंकि दो तीन साल का स्टॉक कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी तुम वेख रहे हो सो खोरी वगैरह पई है। अम्मी कहीं आप जाना थोड़ी रेस्ट कर ले, क्योंकि काफ़ी टुरन लगे जिते बैलगाड़ी आ काफी रही है, थक चुके हैं, ते हूँ असि कि बहे जाने सुथरी है, तो अगर चलने हैं, तो और कभी बाज स कभी मठे मठे टुट जो काफ़ी सफ़र किया, तो इस वजह तो साड़ी एक चीज़ भूल गई आई, और चीज़ जाके तो अगर शेयर कर सी साड़ी चीज़ भूल गई आई। अम्मी आ जाओ, तो मैं जा रहा अगर, क्योंकि पक्की पक्की आने तो बहने जी छावे, क्योंकि अच्छी काफ़ी धुप निकली हुई है, इस वजह तो मैं शेयर भी करते जाने। तो अलहमदुल्ला काफ़ी सफ़र किया, तो काफ़ी जड़ना असं थक गए हैं, तो रोड भी नाल टाप रहा है, तो नाल ही साइड तक खाला कर दिता मोटरसाइकिल, तो साग काट रहे हैं कुछ थोड़ा चेर सुकून कर लेने। हाँ जी, काफ़ी सफ़र किया, तो और पक्की तो ला के ठकला दिता मोटरसाइकिल, तो और पक्की तो खलौंदा, तो क्योंकि काफ़ी जड़ना स्कूटर वगैरह गड्डिया वगैरह टाप रही, और रोड तो चल रहा है, और एक परली साइड तो रोड है, एक उरली साइड तो रोड है, तो असं आगे थोड़े जो सह भी कर लेने, और रास्ता जो काफ़ी सफ़र किया।
ਤੇ ਅੰਮੀ ਹੋਰੀ ਘਰ ਰਹਿਣ ਜੀ ਸਾਥ ਨਾਲ ਪਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਤੇ ਪਰੂ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲਮਟ ਟੰਗਿਆ ਖੜਾ ਬਾਕੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਖਲੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੋਹੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਗੀ ਵੀ ਚਾਹ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰ ਅੱਬੂ ਹੋਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਔਰ ਅੰਮੀ ਹੋਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਈ ਵਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਨੇ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਜਾਵਟ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਨ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਔਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰ ਬਾਈ ਔਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲੋ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪਰਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਾ ਦੇਵੀਏ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਖੋਤਾ ਰੇੜਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਾਵਣਾ ਜੀ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੱਕੀ ਪਾਰ ਟਾਪ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਦਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਔਰ ਅੱਗਾਂ ਟਾਪ ਜੀ ਸਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਹਿਰ ਸੁੱਕ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਹੋਇਆ ਹੈਲਮਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਮਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾ ਜਾਵੇ ਹੈਲਮਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੇ ਗਿੱਲਿਆਂ ਔਰ ਗੱਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੀ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖਾਲਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਖਤੀਜੋਰਾ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਸਫ਼ਰ ਸਫ਼ਰ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਵੀਆਈਪੀ ਸਫ਼ਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ ਕਰੀ ਖਤੀਜਾ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਰੋਡ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ ਕਾਰ ਬੜਾ ਮੋਟਰਵੇ ਰੋਡ ਆਈ ਤੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਹੋ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂਦੇ ਬੱਗੀ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਣ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੰਮਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਅੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਂਟੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਸੱਦੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਸੱਦੀ ਰੱਖ ਅੰਮੀ ਔਰ ਖਾਲਾ ਕੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮੀ ਹਾਂਜੀ और मैं बैठी हूँ मैंने अभी नहीं खाया मैंने कहा पहले आप सब खा लें जो चीज चाहिए होगी मैं दे दूंगी और वो सब खा रहे उसके बाद भी मैं खाऊंगी फातिमा देखो इस चार पाई पे मैं और बग्गी भाई खाना खा रहे उस चार पाई पे मेरी वालदा और खाला जी खाना खा रहे तो खतीजा बैठी हुई सब की खिदमत करने के लिए अगर किसी को पानी चाहिए होगा या किसी को
कोई चीज चाहिए होगी वो देगी। मैंने कहा थोड़ा सा सवाब कमा लेते हैं। ताया अबू और मुनीर भाई। हाँ जी। खा फातिमा। आओ जी सात बजे मिला तो सिखाओ अस था मैं अगे खाँदा जो कला खाना ते बाकी हूँ अज रल के सारे जने खाना खा रहे हैं और भाई और ही खा रहे हैं मैं भी खा रहा। जी तो अलहमदुलिल्लाह जिन्ना शाम हो गई है ते मैं भी खा देनी हूँ किचन क्योंकि खतीजोर दा किचन कैसा बने हुए नाल ही बनी हुई है झूपड़ी क्योंकि कखां लई जिवें असीं साडी बनी हुई होंदी है ते ए नाल बनी हुई है उत्तों छप्पर क्योंकि किचन उत्तों पाए हुआ है कि अच्छी रीत उत्तु बंदा लिपाई कर दे सी किचन देट बंदा बह के खाना पकाई सी क्योंकि काफ़ी किचन प्यारा बने हुआ इस किचन की दमी करसा लिपाई सुबह ते इन्हें अच्छी रीत करसा पेंट फुल वगैरह ही बने सा ते नाल अपने प्यारे विवर नाल शेयर ही करसा नाल मैं भी पहुंच चुका दे और जड़ी ना सुबह किचन दी असी करनी है जी लिपाई क्योंकि छत दी लिपाई करनी है कुछ दीवार दी लिपाई वो भी करनी नाल नाल प्यारे विवर शेयर करसा ए जी तंदूर ते नाल जी दाबड़ा काफी प्यारा ते और खूबसूरत जड़ना सुबह बना दिसा है ते और नाल नाल प्यारे विवर शेयर करसा है ਇਹ ਸੁਡਾ ਕਰੇ ਨੇ ਥਾਈ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਸੁਬਹ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਿਲਸਾਂ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।